बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जालिम कहते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने 12 साल बाद कश्ती पार लगाई थी। आइए देखते हैं, मैं आपके सामने अल्लाह के कलाम से सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक्या रखना चाहता हूं, और एक और वाक्या भी है वो भी आपके सामने रखना चाहता हूं। आप मुलाजा कीजिए कि अल्लाह का कुरान क्या कहता है और ये क्या कहते हैं। ये सूरह अस्साफात है, सूरह नंबर 37 है, आयत नंबर 139 से स्टार्ट है। फरमाया हुआ इन्ना यूनुसा लमिनल मुरसलीन, और यूनुस भी पैगंबरों में से थे, यूनुस हमारे मुरसल बंदों में से थे। इज अबका इलल फुलकिल मशहून, जब भाग कर भरी हुई कश्ती में पहुंचे। फसाहमा फकान मिनल मुतहजीन, उस वक़्त कुर्रा डाला तो उन्होंने जिक उठाई। फल तक महुल हूतु वहुआ मुलीम, फिर मछली ने उनको निगल लिया और वो काबिले मलामत काम करने वाले थे। ये फतेह मोहम्मद जलंधरी साहब का मैं तर्जमा पढ़ रहा हूँ, जो कॉमन तर्जमा है। फलौला अन्नहु कान मिनल मुस्बिहीन, सुनिएगा सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक्या। मछली ने उनको निगल लिया और फरमाया अगली बात क्या, फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन, अगर यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह की पाकी बयान न करते, फिर अगर वो अल्लाह की पाकी बयान न करते, लबिस फी बतनिही इला यौमी युबअसून, लबिस तो वो रहते तो उस रोज तक के, मैं अपना तर्जमा नहीं करता, तो उस रोज तक के लोग दोबारा जिंदा न किए जाएंगे, उसी के पेट में रहते। ये कौन है? सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, अपने आप को नहीं बचा सकते। अल्लाह जिस पर रहम फरमाए। हजरत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया कुरान में आ गया। मैं यहां पर आपके सामने सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का इसी दरिया और समंदर से रिलेटेड एक वाकया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह हुद मेरे सामने है, आयत नंबर 40 है। वकाल अरकबू फीहा बिस्मिल्लाह मजरिहा व मुरसाहा इन रब्बी लगफूर रहीम। फरमाया नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह का नाम लेकर उसके हाथ में उसका चलना और ठहरना है, इसमें सवार हो जाओ, बेशक मेरा परवरदिगार बख्शने वाला मेहरबान है। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई, सबको कह रहे हैं अल्लाह के नाम से सवार हो जाइए। आगे क्या कहते हैं अल्लाह ताला फरमाते हैं, वहिया तजरी बिहिम फी मौजिन कल जिवाल व नादा नूह इब्नहु وكان في مؤزل يا بني يا بني اے میرے بیٹے اركب معنا ہمارے ساتھ سوار ہو جا ولا تكن مع الكافرين اور کافروں میں سے نہ ہو جا با محاورہ ترجمہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی لہریں کیا تھی گویا پہاڑ تھے اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا कि कश्ती में सवार हो जा बेटा हमारे साथ और काफिरों में शामिल ना हो। हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को पुकार रहे हैं, निदा पुकार, व नादा नूह इब्नहु, अपने बेटे को पुकार रहे हैं। जब वो अलग थलग जा रहा था तो बेटा क्या कहता है, कौल सावी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, कहता है मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और पहाड़ मुझे अल्लाह के अजाब से बचा लेगा। कौल ला आसिम अल्यूम, नूह अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं ला आसिम अल्यूम, आज कोई बचाने वाला नहीं है। मैं पहले भी यही बात कर चुका हूँ, यूनुस अलैहिस्सलाम के वक़्त भी कोई बचाने वाला ना था, मगर अकेला अल्लाह था जिसने सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम पर रहम किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के अल्फाज अल्लाह के कुरान से, फरमाया ला आसिम अल यौम,
आज कोई बचाना बचाने वाला नहीं है मिन अम्रिल्लाह अल्लाह के अमर से अल्लाह के हुक्म से इल्ला मन रहिमा मगर जिस पर अल्लाह रहम करे वहाल बैनहुम अलमौज फकान मिनल मुगरकीन। और फरमाया ये उर्दू के अल्फाज हैं अगर आप सिंपली थोड़ा सा गौर करें वहाल बैनहुम अलमौज और उनमें मौज हायल हो गई फकान मिनल मुगरकीन और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा गर्क होने वालों में हो गया। तो नूह अलैहिस्सलाम ने और उनके बेटे के दरमियान मौज हायल हो गई और वो गर्क होने वालों में हुआ। आगे अल्लाह ताला जिक्र करते हुए फरमाते हैं फिर जो है जमीन ने कौम ने हुक्म दिया कि वो अपना पानी निगल ले आसमान को कहा कि थम जाए। उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम का जब बेटा गर्क होता है ना सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ये ना कहिएगा कि मुशरिक था ये कहानियां ना करिएगा कि जनाब उसको उनको बचाने की कोशिश नहीं की नूह अलैहिस्सलाम ने। वह नादा अल्लाह ने जिक्र किया है फरमाया वह नादा नूह रब्बहु फकाल रब्ब इन्न बनी मिन अहली व इन्न वअदकल हक व अंत अहकमुल हाकिमीन। और नूह ने अपने परवरदिगार को पुकारा और कहा कि परवरदिगार मेरा बेटा भी मेरे घर वालों में है तू उसको भी निजात दे तेरा वादा सच्चा है और तू सबसे बेहतर हाकिम है। तो नूह अलैहिस्सलाम को क्या कहा गया ये आज कहते हैं जनाब बारहवीं वाला जो है वो बेड़े तार देता है वो बारह बारह साल के बाद नूह अलैहिस्सलाम के सामने उनका बेटा गर्क हो रहा है और नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो अल्लाह क्या कहते हैं फरमाया कौल या नूह इन्नहु लैस मिन अहलिक ए नूह ये तुम्हारे अहल में नहीं है खानदान में से नहीं है इन्नहु अमलुन गैरु सालिह बेशक इसका अमल नेक नहीं है फला तसअलनी मा लैस लक बिही इल्म हमसे उस चीज का सवाल मत कीजिए जिसका तुझे इल्म नहीं है नूह अलैहिस्सलाम इन्नी आइज़ुका अन तकून मिनल जाहिलीन। मैं तर्जमा पढ़ के देता हूं मुझ पर फतवा ना लगाइएगा। फरमाया इसके बारे में मुझसे सवाल ही ना करो जिसे जिसका तुझे इल्म नहीं और मैं तुमको नसीहत करता हूं कि नादान ना बनो। नादान के लफ्ज तर्जमे में इस्तेमाल हुए हैं लेकिन कुरान मजीद के अल्फाज वाज़े हैं अंतकून मिनल जाहिलीन हर शख्स को पता है मैं सैयदना नूह अलैहिस्सलाम पर कुर्बान जाऊं। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक दावत दी अल्लाह के राह में अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम के नाम पर कुरान मजीद के अंदर सूरत नाजिल की सूरह नूह के नाम से 29वें पारे में सूरत है। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम की इज्जत व अजमत भी बयान की नूह अल्लाह के जैयद पैगंबरों में से था अबुल बशर हजरत नूह अलैहिस्सलाम दूसरे हमारे बाप हैं उनसे हमारे जो है नस्ल जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम हमारे पहले बाप थे जिनसे नस्ल आदम चली उसके बाद नस्ल खत्म हो गई और सैयदना नूह अलैहिस्सलाम से आगे की नस्ल चली उनके बेटों से चली। तो नूह अलैहिस्सलाम वो पैगंबर हैं उनके सामने उनका बेटा गर्क हो जाता है और वो अपने बेटे को बचा नहीं सकते बचाने के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह कहता है ए नूह दुआ न करना वरना तुम अंतकून मिनल जाहिलीन। और आज आप कहते हैं ये खराफात लोगों को दिखाते हैं कि जनाब फलाने बाबे उड़ते हैं फलाने बाबे जो है वो 12-12 साल बाद जो है किश्तियां पार लगाते हैं। अल्लाह की कसम है लोगों अल्लाह के अलावा कोई तुम्हारा हामी और नासिर नहीं होगा अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तुम्हारी शिफात नहीं करेंगे अगर तुम इसी शिर्क और इसी अकीदे पर मरोगे। अल्लाह ताला के लिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ के कहता हूँ इस किताब को पढ़िएगा जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो इन बुजुर्गों की और इन लोगों की दुकानें ज़रूर बंद होंगी जिन्होंने इस्लाम को छोड़ के खराफात को अपना दीन बना लिया है जिन्होंने जो पीर फकीर अपने मज़ारों के ऊपर जो बेहयाई और फहाशी है उसको नहीं रोक सकते वो दुनिया के निज़ाम और नस्ब पर कैसे असरअंदाज हो सकते हैं जो अपने होने वाले मौत को नहीं रोक सकते अपने
धड़कने वाले दिल के बंद होने को नहीं रोक सकते, वो आपके आपके मददगार नहीं हो सकते। आपके पास कोई दलील है तो दलील लेके आइए। अगर आप कहते हैं ना कि ये हम इसलिए करते हैं कि हमारे आबा अजदाद ने ये सब किया है, तो मैं आपके सामने सूरह बकरा खोलता हूँ। सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 170 के अंदर फरमाते हैं कि इनसे जब कहा जाता है ना कि उसकी पैरवी करो जो तुम्हें अल्लाह ताला ने जो तुम पर नाजिल की, तो वो क्या कहते हैं कि हम उसकी पैरवी करेंगे। वाइजा की اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اپنے باپ دادا کی بات مانیں گے، اگرچہ اللہ کہتے ہیں ان کے باپ دادا جاہل تھے، اگرچہ ان کے باپ دادا اولو کان آباؤہم لا یعقلون بے عقل تھے، کوئی عقل نہ رکھتے تھے، شیئن کچھ بھی عقل نہ رکھتے تھے، ولا یہتدون اور نہ وہ ہدایت یافتہ تھے، وہ پھر بھی کہتے ہیں ہم اپنے باپ دادا کے پیچھے چلیں گے۔ تو اللہ کے لیے باپ دادا کا دین اسلام نہیں ہے، دین اسلام اگر نام ہے تو وہ اللہ کی کتاب کا ہے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ہے۔ السلام علیکم۔